हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, सीधा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जी होती है, तो हर एक बात आप तक रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो आपके इस रिश्ते का पास्ट क्या था? अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच हो जाता है फिर नियर फ्यूचर और आगे का फ्यूचर आपका ही, राइट। तो इस रिलेशनशिप का पास्ट, आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के भी गए थे तो दिल से नहीं गए थे, ना चाहते हुए मूव ऑन हुए आपके पार्टनर, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे उस टाइम पे भी। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। आपके पार्टनर घर के बड़े पर्सन हो सकते हैं और जो कि इनके घर वाले इनके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डालते हैं, इनके ऊपर जैसे कि बहुत उम्मीद से देखते हैं कि मेरा बच्चा जो भी है, लड़का है लड़की है, हमें कभी भी ज़िंदगी भर मतलब छोड़ेगा नहीं, हमें कभी इग्नोर नहीं करेगा, हमें मरते दम तक साथ देगा, ऐसी बहुत ज़्यादा आशा है इनको अपने बच्चे से। इस तरह के एनर्जी से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ना अटका हुआ महसूस कराते ये लोग, और जो कि इनको ये एनर्जीज बहुत और इसी एनर्जीज की वजह से जो कि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा डाला गया था, इनके घर वालों ने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, दिल से आपसे शादी करना चाहते थे, आप दोनों ने शादी के सपने देखे थे, एंड तक मतलब कि मरते दम तक आपके साथ आपके पार्टनर रहेंगे, आपको ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने आपको प्रॉमिसेस भी किए थे, आपके बच्चे मतलब कि आप दोनों ने सपने देखे थे, अच्छा घर, आपके बच्चे दोनों के, और कैसे आप हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे, ये सब कुछ आपने अच्छे अच्छे सपने देखे थे जो कि तोड़े गए हैं बिना सोर्स के एनर्जी से। आपने आपके पार्टनर का मतलब कि जो फेस इन्होंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था और जब ये आपको छोड़ के चले गए, आपने रियलिटी फेस किया। बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन थे जो कि रूड बन गए, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बन गए, आपको छोटी छोटी बातों से गुस्सा आने लगा, और जैसे कि प्यार के ऊपर से भरोसा ही मतलब कि जा चुका है। अब जो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बकवास होता है, अब कि किसी से प्यार करना ही नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ नफरत है आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए भी, जैसे कि आप उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते हो। इस तरह से आपने मतलब रिसेंट पास्ट में आपने इसी तरह से सोचा था कि आज से जो कि ना तो मैं इसकी तरफ देखूंगी, ना तो इसको मैं अपनी तरफ बुलाऊंगी, और अगर आता है, आपने कुछ कंडीशन डेफिनेटली रखी है, कुछ दीवार खड़ी करके रखी है, और दीवार शायद यही हो सकती है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो। आप इस तरह से चाहोगे कि ये पर्सन जो है अपने प्रोमिसेस निभाए जो इन्होंने आपको किए थे। यही रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ है जो कि आप इनको आज भी बहुत स्टॉक करते रहते हो, आज भी आपके इनके ऊपर नज़र है लेकिन आप इनको दिखाते नहीं हो। आपने पास में इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, अगर ये आपको छोड़ के भी गए थे ना फिर भी आपका ध्यान कंप्लीट इनकी लाइफ के ऊपर था, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टीज़ के साथ क्या चल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे घूम रहा है, ये सब कुछ रिसेंट पास में हुआ है आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पार्टनर जो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना प्लेइंग एनर्जीज देते रहे, आपसे खेलते रहे, ये हुआ है आपके साथ पास में। आपके पार्टनर स्ट्रॉन्गली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि जैमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट है, हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। थ्रू मैसेज दे रहे हैं इनके रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है प्रेजेंट में इनके रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर ने जैसे कि आपके इस रिलेशनशिप को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, बहुत ज़्यादा होप से इनको इनको लगता है कि आज नहीं तो कर, लेकिन आपका ये रिश्ता जो कि स्टार भी होगा, आपकी इनके साथ शादी भी होगी, ये खुद आपका ये खुद होके आकर आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और आज भी जो कि इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, भले ही इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, हेरोफंट का कार्ड जो कि शादी को शो करता है, लेकिन आज भी ये दोनों के बारे में सोचते हैं, जिससे शादी की है उससे मूव ऑन कैसे करूँ, और जैसे कि आपके पास आना है आपको अपने प्यार का कप ऑफर कैसे करूँ। शायद ये आपको बताते भी है कि ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन आप करंट में बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको लगता है कि पता नहीं ये सिर्फ बोल रहा है, क्या ऐसा कभी करेगा, क्या ये कभी सच में थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ये कभी सच में मेरे पास वापस आएगा। आप कंफ्यूज्ड हो, आपको इनकी बातों पे भरोसा ही नहीं है कि ये आपको कंप्लीट स्वीकार कर पाएंगे और जो कि सच में इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे।
अगर ये मैरिड पर्सन नहीं है और जो कि अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड है और उनके लिए अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है ना, तो आपको लगता है कि शायद इनके घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे आपके साथ शादी करवाने के लिए। लेकिन जो कि इमोशंस आप दोनों के ट्रू हैं, इमोशनली आप आज भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप आज भी इनको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो, फिर से पहले जैसे इनके साथ दिन बिताना चाहते हो, जो प्रॉमिसेस जैसे कि मैंने बोला आप दिल से इनसे आज भी शादी करना चाहते हो, ठीक है। ये आपके इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट है। तो अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो हम देखते हैं नियर फ्यूचर मतलब कि 15-20 दिन से एक महीने तक क्या हो सकता है और उसके बाद जो कि आगे का फ्यूचर चेक करेंगे। तो ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में अगले 15-20 दिन में एक महीने तक क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर क्या है इनके रिश्ते का, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ट्रू मैसेज दे, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड से यहाँ पे अगले 15-20 दिन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोएंगे, रात रात भर परेशान रहेंगे, इनको बुरे बुरे सपने भी आने वाले हैं आपको लेके, जैसे कि इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया था आपको इस तरह से रोता छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपके साथ दिमाग लगाया था, आपके साथ माइंड गेम खेले थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्लेइंग एनर्जीज दी है, आपको हमेशा अंधेरे में रखा, आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला, 100 में से 90% हमेशा झूठ ही बोला है, और जो कि आपने शायद ये फील भी किया है। नियर फ्यूचर क्या होगा कि आपको ये आपके पार्टनर बहुत मतलब दिल से चाहेंगे आपसे बात करना, लेकिन बार बार यही सोचेंगे कि मैंने इसके साथ क्या किया था, माइंड गेम, जो कि मैंने गलत बोला, झूठ बोला, इसको अंधेरे में रख के इसको चीट किया, किसी और को स्वीकार किया, और शायद मेरा कोई हक ही नहीं बनता है कि इसके पास मैं जाऊँ। या आपके पास आना तो चाहते हैं, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, हो सकता है कि अगर दूर कहीं पे तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहेंगे लेकिन अपना थॉट चेंज कर देंगे, क्योंकि इनको जब जब ये आने का ख्याल करेंगे इनको जैसे कि जो गलत हुआ है ना पास्ट में अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करेंगे और जैसे कि महसूस करेंगे कि नहीं, मेरी यही पनिशमेंट है, मुझे ऐसे अकेले जीना है, मुझे ऐसे ही सैड एनर्जीज में रहना है, मुझे मेरा कर्मा भुगतना है, मैंने जैसे कि मेरे हाथों से मेरे ज़िंदगी से मेरे प्यार को जैसे कि मैंने खुद मेरे ज़िंदगी से मेरे प्यार को निकाल के फेंका है। तो अब जो कि आप इनके बिना अगर सच में खुश रहने लगे हो, जो कि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप इनके बिना आप जो कि हैप्पी हो, इन्होंने आपको बहुत रुलाया था, तो अब जो कि इनको कोई हक नहीं बनता है कि फिर से आपकी ज़िंदगी में एंटर करके आपको रुला के चले जाओ, इस तरह की एनर्जीज है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अगले 15-20 दिन एक महीना भी इनका इसी तरह से इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप किसी से डिस्कस करो इनको लेके अपने दोस्तों से, जो कि आपके दोस्त आपको यही बोले कि, और जो कि आपके दोस्त या फिर आपके घर वाले जिनसे आप इनके बारे में डिस्कस करते हो वो आपको यही बताएंगे कि छोड़ दे, क्या उसका इंतज़ार कर रहे, वो नहीं आने वाला है, वो तो ऐसा ही, वो धोखेबाज था, वो कभी तो उससे प्यार करता ही नहीं था, तू ही पागलों को जैसे उसका इंतज़ार कर रही है, ऐसा कुछ बोल के आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। 15-20 दिन में तो इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके इस रिश्ते का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके इस रिश्ते का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। और आपके पार्टनर बहुत डरेंगे आगे के फ्यूचर में, आगे का फ्यूचर मतलब ये लॉन्ग है, ठीक है, आगे का फ्यूचर जब तक कि आप इनका इंतज़ार करते रहोगे तब तक आपके फ्यूचर में ये होने वाला है। आपके पार्टनर आपके सवालों से बहुत डरेंगे, इनको यही समझ में नहीं आएगा कि आपको आंसर क्या करें, क्योंकि रोमांटिक थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है और इनको अच्छे से पता है कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए कितने भी एफर्ट्स लगाए लेकिन ये जल्दी जाने वाली नहीं है। ये जैसे कि इसको निकालना तो चाहते हैं लेकिन भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान कुछ तो ऐसा जादू कर दे, अगले फ्यूचर में होगा ये कि थर्ड पार्टी को निकलने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, लेकिन इनका दिमाग जैसे कि शायद काम नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं फ्यूचर में। इनको रियलाइज़ होगी अपनी गलती कि इन्होंने किसी के साथ जो भी किया है, किसी के दिल के साथ खेला है, किसी को चीट किया है, उसका जो भी भुगतान है, इसका जो भी कर्मा है, गलत कर्मा जो ये अगले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा भुगतने वाले हैं, इनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं फ्यूचर में। और जैसे कि आपसे बात भी करना चाहेंगे ना, ये बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप को नहीं आपके सामने प्रूफ कर पाएंगे, आपके किसी भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं रहने वाला है। ये कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, या हो सकता है कि आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब ये जानते हैं, ये उनसे कुछ डिस्कस करेंगे आपके बारे में, और आप जो कि चांसेस बनते हैं कि इनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं आएगा लेकिन आप इनको कॉल मैसेज करना स्टार्ट करोगे फ्यूचर में,
या हो सकता है कि अभी थोड़े बहुत कर रहे हो ना, तो फ्यूचर में और ज़्यादा पागल हो जैसे करना स्टार्ट करोगे, पहले जैसे एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करोगे, और जो कि शायद आपके पार्टनर की तरफ से आपको फ्यूचर में और ज़्यादा इग्नोर किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ब्लैक बिल्ली है, आपके पार्टनर आपको देखेगी नहीं, क्योंकि आप इनको पहले जैसे पैशनेटली मैसेज करना स्टार्ट करते हो, फिर से अपने दिल की फीलिंग्स बताना स्टार्ट करते हो, तो इनको यही लगेगा कि यार ये तो आज भी मेरे लिए इतनी पागल है, मैं नहीं इसका फ़ायदा उठा सकता, मैं नहीं इसके इमोशंस के साथ खेल सकता। पहले जैसे ये थर्ड पार्टी जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं इससे कुछ भी नहीं कह सकता, ये जब तक कि इस बार आपकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होने वाले हैं, जब तक कि ये बर्डन अपनी फैमिली का बर्डन उतारने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, तब तक ये आपको इग्नोर करते रहेंगे। तो ये आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट ईयर फ्यूचर और आगे का फ्यूचर था। हम देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए करंट में, ऐसे रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, ऐसे रिश्ते में ऐसी सिचुएशन में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए करंट में, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए करंट में, क्या करना चाहिए आपको। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, नाइन ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वैंड्स है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हो, आपके पार्टनर आपको दिल से पसंद करते हैं, सिक्स ऑफ कप जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जैसे कि आप इनसे शादी दिल से करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएँ कम्प्लीट हो, आप जैसा चाहते हो वैसे सब कुछ हो, तो सबसे पहले आपको इस रूड एनर्जी से बाहर निकलना है, और जैसे कि केयरिंग बनना है, ठीक है, अपना प्यार दिखाना है इनको, इनको लेके गुस्सा नहीं करना है, और नेगेटिव थॉट्स मत लाओ अपने माइंड में इनको लेके, कुछ भी एफर्मेशंस बोला करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करो, अपने पार्टनर को अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इनको स्ट्रेंथ दो, आपके वाइब्रेशंस भेजो जो कि पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप बहुत जल्दी मिरेकल देख पाओगे, ठीक है, आप जो सोच रहे हो ना वैसा होगा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डालते रहोगे, जो भी पॉजिटिव बोलते रहोगे, वो आप मतलब कि अपने और अट्रैक्ट कर पाते हो। आपको टैरो में फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन ये फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो अपनी सोच से, अपने पॉजिटिव थॉट्स से, अपने एफर्मेशंस से, ठीक है। आप इस रूड एनर्जीज में मत रहो, आप पॉजिटिव होकर एफर्मेशंस बोला करो रेगुलर, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।